डोगराजी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट। निशस्त की इस ऑनलाइन बैठक में आपका स्वागत है। ये देखकर बहुत खुशी होती है कि हर होने वाली निशस्त मीटिंग के साथ लोग जो जुड़े हुए थे वो और एक शिद्दत के साथ जुड़ रहे हैं और नए लोग भी जुड़ रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि ये मोहब्बत, ये प्यार हमें हमेशा मिलता रहेगा। निशस्त किस सोच के साथ बना था, एक अगर हम ये कहें तो ये भी साझा करना जरूरी है। हालांकि हम में से तकरीबन सब लोग ये जानते हैं, ऐसा लगता था कि हमारी जिंदगी भाग रही है, घर के काम, ऑफिस के काम, बच्चों के काम, लगता था कि कोई हमें पकड़ के रोक ले और हम सुकून की जिंदगी जी पाएं। और निशस्त एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि जो एक सुकून देता था। और ये ताज्जुब की बात है कि आज जब जिंदगी रुक सी गई है तो तब भी ये निशस्त उतना ही सुकून दे रहा है कि जब ये सुकून तब देता था कि जब जिंदगी लगता था कि भाग दौड़ रही है और हमारे पास वक्त नहीं है। ये मुझे लगता है कि निशस्त की एक सुकून देने वाली एक खासियत है। हम तकरीबन सब लोग जानते हैं कि इसके बैठक के कुछ नियम हैं, वो मैं एक थोड़ी सी देर में आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा नियम तो ये है कि हम खुद का कलाम नहीं पढ़ते हैं, तकरीबन जो जो एक साबित मशहूर कलाकार हैं, पोइट्स हैं, उनके कलाम पढ़े जाते हैं और एक बारी में एक ही कलाम पढ़ा जाता है। हालांकि अगर बहुत छोटा, 30 सेकंड से कोई छोटा हो तो एक और भी पढ़ा जा सकता है। तो इसके साथ हम आगाज करते हैं और आज की निजामत करेंगी हिना कौशल। सो ओवर टू हिना। आई वोंट स्टैंड, मैं आपके और हिना के बीच में अब नहीं खड़ा रहना चाहता। हिना जी, बहुत शुक्रिया नील सर। आदाब। आज की इस खूबसूरत महफिल फिजाए निदा में आप सभी हाजरीन का इस्तकबाल है। शुरू करते हैं निदा साहिब की ही शेर से। कौन पढ़ सकता है पानी पे लिखी तहरीरें, कौन पढ़ सकता है पानी पे लिखी तहरीरें, किसने क्या लिखा है ये आबे रवां से सुनिए। मक्तदा हसन उर्फ निदा फाजली की पैदाइश 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुई, यानी कल, आज 11 है। शुरुआती जिंदगी ग्वालियर में गुजरी। ग्वालियर में रहते हुए ही उन्होंने उर्दू अदब में अपनी पहचान बना ली। बाद में उर्दू अदब के बड़े शायर के नाम पर के तरह अपने आप को पहचान बनवाई। मुंबई में उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरा, जहां वो न सिर्फ लेखक और शायर बल्कि लिरिसिस्ट के तौर पे भी खुद की हैसियत बना पाए। हम आज की ये शाम उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या निदा फाजली के नाम करते हैं। इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करेंगे इस गजल के साथ। सफर को जब भी दास्तान में रखना, कदम यकीन में, मंजिल गुमान में रखना। पेश करेंगी आपके सामने प्रियंका मंजरी। प्रियंका आप म्यूट पे हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए फिर पढ़िए। ओके, इज इट ओके ना? यस, ठीक है। यस, शुक्रिया हिना। मैं सीधे उनके लिखे सफर को जब भी दास्तान में रखना पढ़ना शुरू करूंगी, क्योंकि तुमने सब कुछ बता ही दिया है। सफर को जब भी किसी दास्तान में रखना, कदम यकीन में, मंजिल गुमान में रखना। सफर को जब भी किसी दास्तान में रखना, कदम यकीन में, मंजिल गुमान में रखना। जो साथ है वही घर का नसीब है, लेकिन जो साथ है वही घर का नसीब है, लेकिन जो खो गया है उसे भी मकान में रखना। जो खो गया है उसे भी मकान में रखना। जो देखती है निगाहें वही नहीं सब कुछ, जो देखती है निगाहें वही नहीं सब कुछ। ये एहतियात भी अपने बयान में रखना, ये एहतियात भी अपने बयान में रखना। जो एक ख्वाब जो वो एक ख्वाब जो चेहरा कभी नहीं बनता, वो एक ख्वाब जो चेहरा कभी नहीं बनता। बना के चांद उसे आसमान में रखना। चमकते चांद सितारों का क्या भरोसा है,
चमकते चांद सितारों का क्या भरोसा है, जमी की धूल भी अपनी उड़ान में रखना, जमी की धूल भी अपनी उड़ान में रखना। सवाल तो बिना मेहनत के हल नहीं होते, सवाल तो बिना मेहनत के हल नहीं होते, नसीब को भी मगर इम्तिहान में रखना, नसीब को भी मगर इम्तिहान में रखना। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रियंका, बहुत अच्छा पढ़ा आपने और सफर की शुरुआत की, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं सफर में। निदा फाजली साहब की माँ जमील फातिमा और वालिद मुर्तजा हसन बैदी, जो खुद एक शायर थे, पैट्रियार्कल समाज की एक मामूली जिंदगी गुजारते थे। औरत घर की जीनत है और शौहर का घर के बाहर अपनी एक दुनिया है। जमील फातिमा दो बच्चों की माँ है और तीसरे की आमद होने वाली है। एक दिन गुसल खाने में से निकलती हैं, पैर जमीन पर रखती हैं और जमीन धंसने लगती है। खुद को बचाने के लिए एक सैया पकड़ लेती हैं क्योंकि वो छत पर हैं, और इत्तफाकन उनके भाई उसी वक्त नीचे घर की मरम्मत करवा रहे हैं। उन्होंने फौरन अपने हाथ फैलाए और अपनी बहन से कहा, सरिया छोड़ दो। किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह जमील फातिमा अपने भाई के हाथों में गिरती हैं और बेहोश हो जाती हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और वक्त से पहले बच्चा होता है मुक्तदा हसन, जो आगे चलकर निदा फाजली बनता है। आइए सुनते हैं उसी महबूब शायर का एक और कलाम। पेश कर रही हैं पूजा प्रियंवदा, अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला। पूजा प्रियंवदा। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो निशस दिल्ली और कविता कारवां का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस उदास साल में भी उन्होंने शायरी को जिंदा रखा है और हम सबको जोड़ देते हैं शायरी पढ़ने के लिए, शायरी सुनने के लिए। अक्सर रवायत ये है कि जब भी किसी शायर की बात होती है तो ये कहना लाजमी होता है कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने उन्हें बहुत पढ़ा, मैं उन्हें बहुत महान समझती थी। लेकिन सच ये है कि मैंने निदा फाजली साहब को ज्यादा नहीं पढ़ा, मुझे उनके उनके काम के बारे में ज्यादा नहीं पता है। जो एक याद जुड़ी है उनसे वो ये है कि सैलाब जब एक टीवी सीरियल आया था, उसका जो टाइटल ट्रैक था, अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, वो अभी भी मेरे साथ है, वो अभी भी मेरी प्लेलिस्ट में है। और उसके बाद भी मैंने जो भी थोड़ा बहुत उनसे उनका लिखा हुआ सुना, उसने हमेशा मुझे इम्प्रेस किया। अक्सर वो फिल्मों के तरफ से ही मेरे तक आया, जैसे कि सरफरोश का गाना था हुस्न, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। तो मेरे निदा फाजली साहब के बारे में मेरी जानकारी बहुत कम है, और आज जो मैं पढ़ने वाली हूँ वो भी ऐसा ही एक पीस है जो मुझे बहुत पसंद जरूर है, लेकिन मैं ज्यादा उसके बारे में आपको नहीं बता पाऊंगी। तो अब मैं पढ़ती हूँ ये निदा फाजली साहब की कलम से, और ये खासकर मैं इस कोविड काल को, इस कोविड के साल को, इस नए अनुभव को डेडिकेट करती हूँ। अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। एक बेचेहरा सी उम्मीद है चेहरा चेहरा, मैं अक्सर जब लोगों को मास्क पहने हुए देखती हूँ मुझे ये लाइन हर बार याद आती है, एक बेचेहरा सी उम्मीद है चेहरा चेहरा, जिस तरफ देखिए आने को है आने वाला। उसको रुखसत तो किया था मुझे मालूम ना था, उसको रुखसत तो किया था मुझे मालूम ना था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला, अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला। दूर के चांद को ढूंढो ना किसी आंचल में, दूर के चांद को ढूंढो ना किसी आंचल में, ये उजाला नहीं आंगन में समाने वाला। और यहां गौर कीजिएगा, ये मेरा सबसे पसंदीदा शेर है। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया,
एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी में कोई देर से जाने वाला, अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पूजा, और आपने हमेशा की तरह बहुत अच्छा पढ़ा और हमारे दिल तक बात पहुंची, और आपने उसको कनेक्ट भी किया अभी के टाइम से, तो बहुत अच्छा। और वैसे अब हमारी अगली पार्टिसिपेंट एक छोटी सी गुड़िया है, बिल्कुल डॉल। उनके बारे में हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, वो अपना इंट्रोडक्शन खुद है और हमारा इंट्रो उनके लिए छोटा पड़ जाएगा। हालांकि वो खुद भी बहुत छोटी सी हैं, फिर भी हमारा इंट्रोडक्शन उनके लिए छोटा ही पड़ जाएगा। बस निदा फाजली के इस शेर से उनको दावत दूंगी पढ़ने के लिए, जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया, जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया, बच्चों के स्कूल में शायद तुमसे मिली नहीं है दुनिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, युसरा तारिक विद अ पोएम खेल। आदाब, आओ कहीं से थोड़ी सी मिट्टी लाए, मिट्टी को बादल में गूंथे, चौक चलाए, नए नए आकार बनाए, किसी को सर पे चुटिया रख दे, माथे ऊपर तिलक सजाए, किसी को छोटे से चेहरे पर मोटी सी दाढ़ी फैलाए, कुछ दिन इनसे दिल बहलाए, और ये जब मैले हो जाए, दाढ़ी छोटी तिलक सभी को तोड़ फोड़ के गडमड कर दे, मिली जुली है मिट्टी फेरे, अलग अलग सांचे, अलग अलग सांचे में भर दे, चौक चलाए, नए नए आकार बनाए, दाढ़ी में छोटी लहराए, चोटी में दाढ़ी छिप जाए, किस में कितना कौन छिपा है कौन बताए। बहुत ही खूबसूरत युसरा, बहुत प्यारा, वेरी क्यूट, यू डिड सो वेल। ओके, वेलकम। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा ही कि रजिया सुल्तान में जान निसार अख्तर के गुजरने के बाद निदा फाजली ने उसके कुछ गाने लिखे। कैसे हुआ ये हम आपको बाद में बताएंगे, अभी गाना सुनते हैं। रजिया सुल्तान में निदा फाजली ने जब गाने लिखे तो कमाल अमरोही साहेब चाहते थे कि याकूत यानी धर्मेंद्र के कैरेक्टर, जो एक ब्लैक स्लेव का कैरेक्टर था, उसके लिए भी गाने लिखे जाएं, और वो एक ऐसी आवाज चाहते थे जो बिल्कुल उस गाने को सूट करे और याकूत के कैरेक्टर को सूट करे, और इसके लिए वो एक नॉन प्रोफेशनल सिंगर चाहते थे। तो उन्होंने उसकी बहुत खोजा और कई लोगों को सुना, और आखिर उनकी खोज खत्म हुई विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो के एक अनाउंसर पे जिनका नाम था कब्बन मिर्जा। तो कब्बन मिर्जा से एज यू नो स्क्रीन टेस्ट उनसे पहले कहा गया कि आप नौहा सुनाइए, और चूंकि वो भारी आवाज के मालिक थे, ही डीप बैरिटोन, तो कमाल अमरोही को लगा कि ये आवाज बिल्कुल सूटेड है इस गाने के लिए, और हम जिसको आपके पास ला रहे हैं उनकी आवाज कब्बन मिर्जा से कहीं भी कम नहीं है। हमने जब भी उनको सुना है उनके जादू में हम खो से गए हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी ब्रिंग टू यू सायम हसन, जो आपके लिए गा रहे हैं तेरा हिज्र मेरा नसीब है। शुक्रिया है ना, मैं बिल्कुल भी कब्बन मिर्जा के आसपास भी नहीं हूँ। आई विश आसपास होता, पर नहीं हूँ, पर कोशिश करूंगा, क्योंकि निदा फाजली साहब के ऊपर कुछ गाना है और मेरी वन ऑफ दी पसंदीदा गजल है, क्योंकि जब बचपन में सुनते थे तो टीवी पे रंगोली पे यही सारे गाने आते थे, तो चाहे अनचाहे में ये गाने जहन में बसे हुए हैं। तो मैं सीधा स्टार्ट ही करता हूँ ज्यादा,
मेरे पास हारमोनियम नहीं है मेरा, आई एम सॉरी, तो मैं ऐसे ही गाने वाला हूँ, बस लो। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम, तेरा गम ही मेरी हयात है, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, मेरे वास्ते मेरे राम पर, मेरे वास्ते तेरे नाम पर कोई हर्फ आए नहीं, नहीं मुझे खौफ दुनिया नहीं, मगर मेरे रूबरू तेरी जात है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा वस्ल ऐ मेरी दिलरुबा, तेरा वस्ल ऐ मेरी दिलरुबा, नहीं मेरी किस्मत तो क्या हुआ, मेरी महजबी, मेरी महजबी, मेरी महजबी यही कम है क्या, तेरी हसरतों का तो साथ है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा इश्क मुझ पे है मेहरबान, तेरा इश्क मुझ पे है मेहरबान, मेरे दिल को हासिल है दो जहां, मेरी जान जान, मेरी जान जा, मेरी जान जा इसी बात पर, मेरी जान जाए तो बात है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, तू कहीं भी हो मेरे साथ है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सायम। और आप कैसे कह रहे थे कि आप अच्छा नहीं गाते हैं, आप देखिए चैट बॉक्स पे लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और सचमुच बहुत अच्छा गाते हैं, हारमोनियम के साथ गाते हैं तो हमें थोड़ा सा दुख है, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इट इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। दिल में हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, निदा फाजली साहब का ही शेर है। तो इस शेर पर मुझे फरहत एहसास साहब का एक शेर याद आता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, किसी दिन उसके दर पे रक्से वहशत क्यों नहीं करते। इसी शेर के साथ मैं दावत दूंगी सैयद मेराज को कि वो आए। हिना माफी चाहूंगा, ये इस शेर की दो बड़ी अहम लाइन आप शायद आपने किसी अगले मकाम के लिए रोक रखी हो, मगर मेरा दिल चाह रहा है वो पूरी कर दी जाए। बिल्कुल करो। ये इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है जावेद, देखो दो लाइन में आते हो और छा जाते हो। जी चलिए सैयद मेराज साहब को सुनते हैं, उनकी खासियत है कि वो तरन्नुम में गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। सैयद मेराज साहब पूरी गजल सुनाएंगे आप।
सैयद मिराज साहब हमारे साथ हैं जी। दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, और खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। अ कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, कुछ लोग यूं ही शहर में हम से भी खफा है, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती, और खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। और देखा है जिसे मैंने कोई और था शायद, हाँ देखा है जिसे मैंने कोई और था शायद, वो कौन था जिसे तेरी सूरत नहीं मिलती, वो कौन था जिसे तेरी सूरत नहीं मिलती। और दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, और हंसते हुए चेहरों से है बाजार की जीनत, हंसते हुए चेहरों से है बाजार की जीनत, रोने की यहाँ वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती, हाँ रोने की यहाँ वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती। अनिकला करो ये शम मालिए घर से भी बाहर, अनिकला करो ये शम मालिए घर से भी बाहर, कमरे में सजाने को मुसीबत नहीं मिलती, हाँ कमरे में सजाने को मुसीबत नहीं मिलती। दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, और खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सैयद मिराज, हमेशा की तरह आपने बहुत ही खूबसूरत पढ़ा इसको, बहुत अच्छा। नेता साहब की सफर को आगे बढ़ाते हैं। उनका जन्म दिल्ली में हुआ लेकिन इब्तदाई उम्र ग्वालियर में गुजरी, और बंटवारे के वक्त उनके माँ बाप ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। निदा ने एमए का पहला साल कंप्लीट किया था और वो अपने अब्बा के इस फैसले के खिलाफ थे, मगर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो जाने का दिन आ गया और निदा बिल्कुल घर से गायब हो गए। उनको खोजते खोजते उनकी अम्मी बेहोश हो गई, क्योंकि वो समझी कि वो क्या चाहता है, नहीं जाना चाहता है। खैर किसी तरह से उनके अब्बा ने अपनी फैमिली को भेजा और खुद रुक गए। पूरा दोबारा टिकट कटा, सब कुछ हुआ, लेकिन निदा वापस नहीं आए। आखिर थक हार कर उनके अब्बा को भी जाना पड़ा। बहुत दिनों बाद निदा जानबूझ कर ये टाइम बिता रहे थे, वो कन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे। वो राजस्थान घूमकर जब घर पहुंचे तो घर बिक चुका था, न कपड़े थे न पैसे थे, कुछ भी नहीं था। फिर किसी से किराए का एक रूम लिया और पैसे इतने नहीं थे कि पढ़ाई आगे कर सके। वहीं से मुशायरों में थोड़ा बहुत उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और उनकी नज़में और गज़ल काफ़ी पसंद किया जाने लगा। तो इस तरह से वो वहाँ पर वक्त बिताने लगे, वहाँ के अदबी दायरों में उठने बैठने लगे। उनकी इस कहानी को सुनकर उनकी एक ही गजल याद आती है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में
तुम ही निकल सको तो चलो, पेश कर रही हैं आज आपके सामने हमारे निशस्त दिल्ली की एक बेहद मोतबर मेंबर प्रेरणा। शुक्रिया हिना, आदाब आप सभी को। निदा फाजली साहब, निदा जो नाम है इसके मायने कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। निदा का मतलब होता है आवाज, और निदा फाजली के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ये बात रख के समझे तो कितनी खूबसूरत है कि उन्होंने जिंदगी के सभी एहसासों को, जज्बातों को आवाज बख्शी है। और उन्होंने ना सिर्फ हमें जिंदगी जीने का तरीका बताया बल्कि इबादत करने का शूर भी बताया। शायद इसलिए वो कहते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो उनकी नज़में गज़लें इसी तरीके का मैसेज हमें देती हैं। और एक उनकी यही एक गज़ल है, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, बहुत खूबसूरत गज़ल है, मैं आप सभी के सामने से पढ़ना चाहूँगी। वो पेश है। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फजा, कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। और ये आखिरी शेर है, बहुत खूबसूरत है। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। Nida Fazli was Indian by choice. He disagreed with the partition of India and had spoken out against the communal riots, politicians and fundamentalism in his life. But ironically, during the riots of December 1992, the man who chose India over Pakistan had to take shelter in his friend's house for the fear of his life. The separation from his parents was an epochal event in his life, the pain of which remained with him all his life. Aaiye, sunte hain. Main roya pardes mein bheega maa ka pyar, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। पेश कर रही हैं मीनाक्षी चौधरी। हेलो हिना, निशस्त परिवार और कविता कारवां के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कोविड बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ गड़बड़ियां लेकर आया, लेकिन मेरे लिए एक अच्छी बात यह हुई कि निशस के लोग अब मेरे दोस्त हैं। जब मैं प्रेरणा को देखती हूँ, जावेद को देखती हूँ, हिना को देखती हूँ, तो मुझे ये चेहरे जाने अनजाने नहीं लगते, और नील और पूजा तो दोस्त हैं ही। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों को, एक नया रिश्ता आपने आपसे मेरा जुड़ गया। और मुझे लगता है कि जब ये कोरोना हवा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को आप मिलने आऊंगी और तभी हम साथ बैठकर पढ़ेंगे। फिलहाल हिना मैं आज कोई गजल नहीं पढ़ूंगी। अच्छा। मैं जब मैं ढूंढ रही थी कि मैं क्या पढ़ूं, तो जो गजल पढ़ूं वही लगे अरे ये तो बहुत पॉपुलर है, बहुत ये तो सुनी है। कुछ यूनिक ढूंढने की कोशिश की मैंने, और तब ढूंढते ढूंढते मैंने निदा जी के कुछ सुने अनसुने दोहे ढूंढे, और वो मैं दोहे आप लोगों के सामने रखूंगी। और हिना, आपने जो भी बातें कही कि निदा जी ने पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म, पार्टीशन सबके खिलाफ अपना दर्द अपनी गजलों अपनी नज्मों में लिखा, उनकी ये फीलिंग उनके दोहों में भी दिखती है, और वो दोहे मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। जीवन की फिलॉसफी हो, वो दर्द जो पार्टीशन का था, या
आम जीवन के रोजमर्रा की बातों को लेकर छोटी मोटी सलाह, वो सब इन दोहों में है। पांच सात छोटे दोहे मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तो अगर फिलॉसफी की बात पहले ले तो जीवन के दिन रैन का कैसे करें हिसाब, जीवन के दिन रैन का कैसे लगे हिसाब, दीमक के घर बैठकर लेखक लिखे किताब। निदा जी ने जब अपनी बेटी की शादी की तो बहुत दुखी थे, एक बेटी को भेजना आसान नहीं है, और उन्होंने अपने दर्द को एक बहुत सुंदर दोहे के रूप में लिखा, आंगन आंगन बेटियां छाती बांटी जाए, आंगन आंगन बेटियां छाती बांटी जाए, जैसे बाले गेहूं की पके तो काटी जाए। एक और रिश्तों को लेकर जो उन्होंने कही कि अगर आप रिश्ते संभाल कर रखना चाहते हैं तो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने चाहिए, ऊपर से गुड़िया हंसे अंदर पोलम पोल, ऊपर से गुड़िया हंसे अंदर पोलम पोल, गुड़िया से है प्यार तो कांटों को मत खोल, गुड़िया से है प्यार तो टांकों को मत खोल, नहीं तो सब कुछ बाहर आ जाएगा फिर रोज के झगड़े। यूं ही होता है सदा हर चूनर के संग, यूं ही होता है सदा हर चूनर के संग, पंछी बनकर धूप में उड़ जाते हैं रंग। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान, कुछ चिट्ठियां सुखों की कुछ चिट्ठियां दुखों की। और राजनीतिक सरहदों को लेकर निदा उन चुनिंदा शायरों में से है जिन्होंने इस विभाजन को, इस पार्टीशन को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो हमेशा चाहते थे, उनकी दिली इच्छा थी कि कभी तो ऐसा होगा जब ये दो बिछड़े भाई मिलेंगे। झूठी सारी सरहदें धोखा हर तकसीम, दिल्ली से लाहौर तक कड़वे सारे नीम, भारत के नीम मीठे नहीं है, पाकिस्तान के नीम कड़वे नहीं है, ये सरहदें झूठी हैं, नीम हमारे हो या नीम उनके, नीम कड़वे हैं। नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई उसका हिंदुस्तान। दीमक राजनीतिक इच्छाओं की इस बात में पढ़ते ही नहीं है कि दीमक कौन सी थी, लेकिन ये दीमक हिंदुस्तान खा गई। और बहुत ही मजेदार दोहा है अगला, कि कैसे हम दूसरों को कोसते हैं लेकिन अपनी गलतियों को नहीं मानते। रास्ते को भी दोष दे आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल, सात समंदर पार से कोई करे व्यापार, पहले भेजे सरहदे फिर भेजे हथियार। और एक दोहा है जो मुझे बहुत पसंद आया, और ये मैं पहली बात थी जब मैंने इसे पढ़ा, नेहरू जी ने किताब लिखी थी बहुत फेमस किताब भारत एक खोज, उसको एड्रेस करते हुए निदा जी लिखते हैं, स्टेशन पर खत्म की, लास्ट में एक ट्रेन आती है उसमें, स्टेशन पर खत्म की भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। और धार्मिक अनुष्ठान और रूढ़िवादिताएं इनके भी खिलाफ निदा जी ने बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरती से लिखा, जो मैं आपको पढ़ूंगी और इसके साथ मैं खत्म करती हूँ। अंदर मूरत पर चढ़े घी पूरी मिष्ठान, अंदर मूरत पर चढ़े घी पूरी मिष्ठान, मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान। इसी के आगे, ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम से ज्यादा मिल जाए भीख, मौका परस्त बनिए, जब जो मंत्र पढ़ना है पढ़ डालिए। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, ये सबको सबका सुना हुआ सबका पसंदीदा दोहा है, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। बाहर झाड़ू हाथ में भीतर उगे बबूल, बाहर झाड़ू हाथ में भीतर उगे बबूल, उसको भी तो साफ कर अंदर है जो धूल।
और अंतिम दोहा, वो सूफी का कॉल हो या पंडित का ज्ञान, जितनी बीते आप पर उतनी ही सचमा। तो ये थी मेरी प्रस्तुति निदा जी के दोहे। बहुत खूबसूरत मीनाक्षी जी, और बेहद शुक्रिया आपका कि आपने जो रिश्ते बने हैं उनके बारे, उनके मुतालिक आपने बात की। और हमारी भी ख्वाहिश है कि जल्द ही एक रूबरू निश्चित हम सब लोगों के दरमियान दोबारा से हो। एक दोहा तुम लोगों से मिलना चाहती हूँ, एक कनेक्ट बन गया आप लोगों के साथ। एक दोहा मैं आपके साथ साथ तमाम हाजरीन की नजर कर दूं कि मैं भी तू भी यात्री चलती रुकती रेल, मैं भी तू भी यात्री चलती रुकती रेल, अपने अपने गांव तक सबका सबसे मेल। ओवर टू यू हिना। शुक्रिया जावेद, बहुत अच्छा। मीनाक्षी, बहुत ही खूबसूरत आपने पढ़ा। दोहे की बात हम आगे भी करेंगे, किस तरह निदा फाजली की शायरी हिंदी और उर्दू के बीच का पुल था और उन्होंने बहुत अच्छे खूबसूरत दोहे लिखे। अभी सफर में आगे बढ़ते हैं। निदा फाजली की शायरी एक कोलाज जैसी है जिसके कई रंग और रूप है, किसी एक रुख से उनकी शिनाख्त मुमकिन नहीं। उन्होंने जिंदगी के साथ कई दिशाओं में सफर किया और उनकी लेखनी इसी सफर की दास्तान है। उन्होंने वो लिखा जो जिया, उसकी उनकी शायरी की तासीर का राज भी यही है। पेश है एक बेहद खूबसूरत रचना जिससे शायद आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि ये अद्भुत शायर समाज की किन किन मसलों पर हलकान होता था। शफकत परवीन पेश कर रही हैं, हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। शफकत। शफकत आप हैं? आप जी, आपको हम सुन पा रहे हैं। निशस्त के सभी दोस्तों को मेरा आदाब। शायरों के लिखे कलाम की एक खासियत ये भी होती है कि वो हर दौर में दौरे हाजिर के लिए लिखे गए लगते हैं, जिनमें से ये नज्म निदा फाजली साहब की। अगर हम आज के दौर को देखें, खास तौर से कोरोना से जूझते हुए हिंदुस्तान के हालात, तो इस नज्म का एक एक लफ्ज बिल्कुल सच और बिल्कुल सही लगता है। पेश खिदमत है। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। रहेगी वादों में कब तक असीर खुशहाली, रहेगी वादों में कब तक असीर खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों, हर एक बार ही कल क्यों, कभी तो आज भी हो। न करते शोर शराबा, ये दौरे हाजिर में आज का जो यूथ है जिसके पास रोजगार नहीं है उनके लिए लिखा था उन्होंने शायद। न करते शोर शराबा तो और क्या करते, न करते शोर शराबा तो और क्या करते, तुम्हारे शहर में कुछ और कामकाज भी हो। हुकूमतों को बदलना तो कुछ मुहाल नहीं, हुकूमतों को बदलना तो कुछ मुहाल नहीं, हुकूमतें जो बदलता है वो समाज भी हो। बदल रहे हैं कई आदमी दरिंदों में, बदल रहे हैं कई आदमी दरिंदों में, मर्ज पुराना है इसका नया इलाज भी हो, मर्ज पुराना है इसका नया इलाज भी हो। अकेले गम से नई शायरी नहीं होती, ज़बाने मीर में गालिब का इम्तिजाज भी हो, क्या बात, ज़बाने मीर में गालिब का इम्तिजाज भी हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शफकत, बहुत ही अच्छी गजल, सचमुच यूनिवर्सल अपील है इस गजल। अब बात करते हैं एक ऐसे गाने की जो बॉलीवुड में निदा फाजली की पहचान बन गया, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।
ये तो हम सबके लिए सच है, मगर जब इसको किसी ने गाने की तरह लिख दिया तो ऐसा लगा सबको जैसे वो जो सोच रहे थे वो सामने सच हो गया। इस गाने के बगैर निदा फाजली की कहानी अधूरी रह जाएगी। हालांकि अदबी मियार से बेहद अच्छी शायरी की उन्होंने, लेकिन पॉपुलैरिटी के मियार से ये उनकी सबसे वेल नोन पोएम या सॉन्ग है। एंड फिलोसफिकली स्पीकिंग टू, देयर इज अ ग्रेट वैल्यू टू दिस सॉन्ग। वन ऑफन सिंग्स दिस सॉन्ग टू फिलोसोफाइज वन्स लाइफ इन एडवर्सिटी और इन लॉस। तो आइए, आज हमारे दरमियान हैं अनीता नारायण जो इसे पेश करेंगी करण। अनीता नमस्कार, आई होप कि यू आर एबल टू लिसन टू मी और एबल टू सी टू मी। पहली बार जुड़ रही हूँ मैं निशस्त दिल्ली से, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर कौसर की जिन्होंने मुझे इस चीज के लिए इनवाइट किया। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर कौसर दैट यू रिमेम्बर्ड मी। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके सामने ये गजल गा पा रही हूँ, और बहुत ही पसंदीदा गजल है, फिल्म है आहिस्ता आहिस्ता, और उम्मीद करती हूँ कि मैं इसको ठीक से प्रस्तुत कर पाऊंगी आप सबके सामने। तो प्रस्तुत है ये गजल निदा फाजली जी की। मुझे पता नहीं चल पा रहा है वेदर आप लोग इसे सुन पा रहे हैं या नहीं। जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, अगर हम नहीं सुनेंगे तो जरूर बताएंगे। तो एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग, किसी का चेहरा वेरा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। आप स्पॉटलाइट में आपको ही सब देख रहे हैं। चलिए शुरू हो जाए। आई एम नॉट एबल टू सी एनीवन। ओके फाइन, ठीक है, चलो। आहिस्ता आहिस्ता का है ये गीत, गजल सॉरी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता, जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, जहां उम्मीद है इसकी वहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं
मिलता कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। थैंक यू सो मच कौशल जी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और थैंक यू मिस्टर चंदर वर्मा मुझे टाइमली कॉल करने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और मैं इसको ठीक से प्रस्तुत कर पाई। थैंक यू सो वेरी मच, नमस्ते। अरे बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने आज, और कहीं कहीं पर तो आपने वो जबरदस्त स्थान लगाया कि भाई हम तो एकदम, हम लोग सब वाह वाह कर रहे थे चैट बॉक्स में, आप देखिए खोलकर सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आती रहिए, आगे भी आती रहिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। आगे बढ़ते हैं। पहले भी हम जगजीत सिंह और निदा फाजली के बीच का रिश्ता एक बहुत ही अलग और खूबसूरत रिश्ता था, और उस रिश्ते की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। चर्च गेट के सामने एक ईरानी ढाबा था, जहां शाम में वो सारे कलाकार जो मौसीकी से जुड़े हैं और अदबी दुनिया से जुड़े हैं, वो हम जो हम उम्र थे वो बैठते थे, और उस जमाने में वो सारे होटल में ही खाते थे और किसी सस्ते होटल में रहते थे, तो उसी ग्रुप का हिस्सा थे निदा फाजली और जगजीत सिंह। बाद में दोनों ने कई एल्बम साथ बनाए और दोनों ही बहुत पॉपुलर हुए, तो उनके कई एल्बम आए, इनसाइट उसमें से सबसे ज्यादा मशहूर एल्बम हुआ। और अगर ये कहा जाए कि कॉमन मैन तक निदा फाजली को पहुंचाने का काम जगजीत सिंह ने किया तो ये गलत नहीं होगा। कई लोगों ने जगजीत सिंह को ही सुना और निदा फाजली को जाना, तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जगजीत सिंह की आवाज की याद दिलाते हुए सुनते हैं हमारे ही बहुत ही ब्यूटीफुल और इनोसेंट और एकदम चार्मिंग मेंबर नील डोगरा जी से, गरज बरस प्यासी धरती पे पानी दे मौला। मेरी बहुत ही फेवरेट दुआ है, मैं इसको गाना नहीं कहूंगी, ये एक दुआ है, और अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में इस दुआ का रेलेवेंस बहुत बढ़ गया है, तो आइए सुनते हैं नील जी की आवाज। इसको पढ़ने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं इसके पहले क्या कहूं, तो ये एक ऐसा मेटाफर है जो, और निदा फाजली का बच्चों को लेकर जो एक, वो शब्दों से ज्यादा मेटाफर से खेलते हैं बच्चों के बारे में, बच्चों को लेकर बड़ों को कह देना। हालांकि माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि जगजीत सिंह वो बहुत जो है जस्टिफाई किया है उनके उनके जो अल्फाज हैं। असल में ये एक जुड़ाव अगर हो तभी आप इसको, इस मेटाफर्स को समझ पाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा सिवाय इसके कि ये याद दिलाता है तब की बात, जब हम सबको पता था कि किसान के लिए गरज बरस मेघों की क्या जरूरत है। किसान के लिए आज भी उतनी जरूरत है, लेकिन शायद हम उससे दूर हो गए हैं और हमें पता नहीं। और अब गुड़ धानी के बारे में क्या कहा जाए, ये जो एक जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, और ये निशस्त में इसीलिए मैं पढ़ रहा हूं कि मुझे मालूम है कि यहाँ वो लोग हैं जो बगैर कहे जो ये समझ पाएंगे कि मेटाफर्स क्या हैं। तो सीधा मैं ये पढ़ ही देता हूं कि गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना बच्चों को गुड़ धानी दे मौला, दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहां होता है, दो और दो का जोड़ हमेशा चार होता है, सोच सालों को थोड़ी नादानी दे मौला, फिर रोशन कर जहर का प्याला चमका नई सलीबें, झूठी में सच को ताबानी दे मौला, फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा, फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा, मंदिर को कोई मीरा दीवानी दे मौला, तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो, तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो, जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत नील जी,
आप हमेशा बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं और दिल से पढ़ते हैं, आपकी ये बात खास है तो हम तक पहुंचती है ये बात। और चलिए आगे बढ़ते हैं। निदा फाजली साहब की जिंदगी के दास्तान के कुछ और पन्ने पलटते हैं। उनकी शायरी का पहला मजमुआ लफ्जों के पुल छपते ही उन्हें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अच्छी खासी शोहरत मिली, जो कम शायरों को ही नसीब होती है। इस मजमुए से पहले निदा अपनी प्रोज कलेक्शन मुलाकातों के लिए काफी चर्चा में रहे, मुलाकातें के लिए काफी चर्चा में रहे। उन्होंने इस किताब में उस समय के कई एस्टैब्लिश्ड राइटर्स के बारे में खुलासा किया। इस किताब के जरिए लेखक बिरादरी के दरबारीपन को उजागर किया और ऐसे राइटर्स के बारे में लिखा जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट और पावरफुल कॉन्टैक्ट्स के जरिए सम्मान पाते हैं। Many opposed him and he was boycotted by many, but he remained firm in his stand. तो अब ऐसे मोड़ पर और कौन सी गजल सुन सकते हैं निदा फाजली साहब की। बस यही याद आती है कि उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी तरह शहर में तन्हा होगा। पेश कर रही हैं फातिमा। आदाब दोस्तों, मैं पहली बार यहाँ जुड़ रही हूँ, बल्कि कहीं भी मैंने कभी कोई गजल पोएट्री कभी पढ़ी नहीं, पहली बार कहीं भी पढ़ रही हूँ और मेरी जबान उर्दू या हिंदी नहीं है, तो अगर कुछ गलती हो तो प्लीज माफ करिएगा। निदा फाजली की, उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। इतना सच बोल के होंठों का तबस्सुम न बुझे, इतना सच बोल के होंठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। प्यास जिस नहर से टकराई वो बंजर निकली, प्यास जिस नहर से टकराई वो बंजर निकली, जिसको पीछे कहीं छोड़ाए वो दरिया होगा। मेरे बारे में कोई राय तो होगी उसकी, मेरे बारे में कोई राय तो होगी उसकी, उसने मुझको भी कभी तोड़ के देखा होगा। एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा। बहुत खूब फातिमा, बहुत खूब, बिल्कुल आपने बेवजह बताया, हमें तो बिल्कुल पता नहीं चलने वाला था। और हम सुनते रहते हैं आपकी पोएट्री रीडिंग और काफी खूबसूरत है, आप वीडियोस बनाती हैं और बहुत अच्छी पढ़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैं ला रही हूँ एक बहुत ही अच्छी गायिका जो हमारे निशद दिल्ली परिवार की बहुत अहम मेंबर है। और नीम का पेड़ जो है वो दूरदर्शन पे एक बड़ा अच्छा सीरियल हुआ करता था और इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एज वेल एज क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरियल, और राही मासूम रजा के नॉवेल पे बना था वो सीरियल। और उस सीरियल के बाकी चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात भी है कि उस सीरियल का टाइटल सॉन्ग बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, तो आज हम वही टाइटल सॉन्ग, निदा फाजली साहब ने लिखा था, वही टाइटल सॉन्ग सुनेंगे हमारी कोकिला कस्तूरिका मिश्रा साहब की आवाज में। तो कस्तूरिका मिश्रा की तरफ चलते हैं, सुनाइए हमें। बहुत बहुत नमस्कार सबको, निसत परिवार और कविता कारवा का बहुत बहुत आभार। फिर से मैं अपने दोस्तों के साथ जुड़ पाई हूँ, इसकी सबसे ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। कोरोना काल में मेरी फिजिकल डिस्टेंसिंग है और सोशली हम लोग मिल रहे हैं, इसलिए ईश्वर को मेरी प्रार्थना हो कि जाए कि निदा फाजली के थ्रू हम लोग कम से कम मिलने का मौका तो ले रहे हैं। मैं आपको सुना रही हूँ उनकी, मेरी अपनी कंपोज की भी उनकी एक गजल है। मुँह के बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने को,
आवाजों के बाजारों में, आवाजों की बाजारों में खामोशी पहचाने कौन, मो की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, मैं उसकी परछाई हूँ या वो मेरा आईना है, मेरे ही घर में रहता है, मेरे ही घर में रहता है, मेरे जैसा जाने कौन, की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, सदियों यही तमाशा, सदियों यही तमाशा, रस्ता लंबी खोज, लेकिन जब हम मिल जाते हैं, लेकिन जब हम मिल जाते हैं, खो जाता है जाने कौन, की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों की बाजारों में, आवाजों की बाजारों में खामोशी पहचाने कौन, की बात सुने हर कोई। कस्तूरिका जी आपने तो समा बांध दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वाकई। चलिए अब कुछ सीरियस सुनते हैं। अपने वालिद से तो बंटवारे की वजह से निदा फाजली अलग हो गए थे, मगर वो लिखते हैं अपनी बायोग्राफी में कि एट लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही रियली मिस्ड हिज फादर अ लॉट, ही यूज्ड टू थिंक अबाउट हिज फादर, कभी कभी मिलने भी गए मगर वो अलग तो हो ही गए थे। अपने वालिद की मौत पर निदा साहेब ने एक नज़्म लिखी थी, बेहद भावुक बेहद पॉइंट नज़्म है, बेहद लोकप्रिय भी है। फादर्स डे पर इससे ज्यादा शेयर होती हुई नज़्म मैंने तो नहीं देखी। पेश कर रही हैं कौसर सैयद, इस शेर के साथ मैं उनको दावत दूंगी। निदा फाजली साहब का ही शेर है कि शहर में सबको कहाँ मिलती है रोने की जगह, शहर में सबको कहाँ मिलती है रोने की जगह, अपनी इज्जत भी यहाँ हंसने हंसाने से रही। प्लीज कौसर सैयद साहबा आइए। कौसर सैयद इसके बाद विनोद राय और शादाब और शाहीन हैं, तो मैं पहले से बता दूं ताकि वो थोड़े तैयार हैं। सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। पहले तो मैं निशस्त दिल्ली और कविताकारों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इतना अच्छा मौका मुझे दे रहे हैं, और फातिमा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मुझे इस निशस्त की राह दिखाई उन्होंने, बहुत शुक्रिया फातिमा। निदा फाजली से मेरा अर्ली कॉलेज डेज से, उनकी शायरी और जगजीत सिंह की गजलें
हमेशा ये सुना करते थे हम लोग, उनको फैन मेल्स भी लिखे। फिर ये मेरी खुशनसीबी थी कि यहाँ अमेरिका आके उर्दू अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के लिए निदा फाजली पर मैंने प्रोग्राम किया था, और उसकी रिसर्च के दौरान मैंने उनसे कॉल करके बात की थी। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने बोला था मुझे कि तुम जो भी लिखो मेरे लिए वो मुझे भेजना, लेकिन अफसोस ये है कि वो मैं उन्हें भेजती उससे पहले वो रुखसत हो गए दुनिया से। ये खलिश रह गई दिल में। तो आइए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये नज़्म पेश करती हूँ निदा फाजली साहब की। उन्वान है वालिद की मौत पर। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने सुनाई थी, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी, वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं भी कुछ नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। और शुक्रिया। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पेश है, बहुत ही अच्छा, और आपने जो मैं बताया। पर आगे बढ़ने के पहले जावेद, मैं अब तुम्हें मिस कर रही हूँ। आई मीन तुम हमें शेर नहीं सुना रहे हो। इतने संजीदा माहौल में मैं सोच नहीं पा रहा क्या सुनाऊं। मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं उनकी के, रहमान की कुदरत हो या भगवान की मूरत, हर खेल का मैदान यहाँ भी है वहाँ भी, हिंदू भी मजे में है मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान है यहाँ भी वहाँ भी। बिल्कुल सही। देखिए, इस तरह की मोहब्बत भरी आवाजें कम ही सुनने मिलती हैं आजकल, तो मोहब्बत तो हमेशा जीतनी चाहिए नफरत के ऊपर। चलिए जावेद, मतलब बोलती रहिए भाई, आपके शेर तो हम सबको बहुत पसंद है, और आपके बारे में तो मशहूर है कि आप धनिया पत्ती पे भी शेर बोल देते हैं, तो आप तो हर चीज पे बोल देते हैं, उस किस्से को फिर कभी बताएंगे, है ना। चलिए, निदा फाजली साहब की कई गजलें आशा भोसले ने गाई और उनके कई गाने लता मंगेशकर ने भी गाए, और मेरे ख्याल से ये पॉपुलैरिटी का एक मेयार तो जरूर है, क्योंकि ये टॉप के सिंगर्स हैं और ये निदा फाजली के गाने गा रहे थे, और निदा फाजली भी बहुत पॉपुलर थे उस टाइम। तो आशा भोसले के तो ऐसे कई गाने हमने सुने हैं, जब सामने तुम आ जाते हो क्या की जानिए क्या हो जाता है, या आहिस्ता आहिस्ता के गाने भी थे। फिर उसके बाद लता मंगेशकर ने स्वीकार किया मैंने में, बहुत सारे ऐसे गाने गाए। तो आज जो है, कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, ये पेश कर रहे हैं विनोद राय साहब। इसे आप बाद में लता आशा भोसले की आवाज में भी सुनिएगा, अभी विनोद राय साहब की आवाज में सुनिए। विनोद राय साहब, पहले तो मैं रिक्रेट कर दूं कि ट्रेवल कर रहा हूं, इसलिए इसको नहीं गा पाऊंगा सुर में आज। मैं कुछ और इसके बदले पढ़ने की इजाजत चाहूंगा, क्योंकि अच्छा। जो हुआ सो हुआ, निदा फाजली जी की बहुत ही सुंदर है, जो हुआ सो हुआ। अच्छा, तो इसी को मैं जब तक सुना दूं, और शायद मेरा चेहरा भी नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि लाइट है नहीं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। ये बड़ी यूनिक सी भाई पोएट्री रीडिंग है कि आप ट्रैवल करते हुए पढ़ रहे हैं, तो ये जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खुश हैं कि आप पार्टिसिपेट। धन्यवाद। जो हुआ सो हुआ।
उठ के कपड़े बदल, घर से बाहर निकल, जो हुआ सो हुआ, रात के बाद दिन, आज के बाद कल, जो हुआ सो हुआ। जब तलक सांस है भूख है प्यास है, जब तलक सांस है भूख है प्यास है, यही इतिहास है, रख के कंधे पे हल, खेत की ओर चल, जो हुआ सो हुआ। खून से तरवर करके हर रह गुजर, खून से तर बतर करके हर रह गुजर, थक चुके जानवर लड़कियों की तरह, फिर से चूल्हे में जल, जो हुआ सो हुआ। शुक्रिया, जो हुआ सो हुआ। बहुत शुक्रिया विनोद राय साहब पार्टिसिपेट करने के लिए, ऐसे ही आते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, शादाब साहब भी हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहे हैं, तो अब आगे उनको मैं बुलाऊंगी। मगर उसके पहले फिल्मों में निदा फाजली के आने की, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। पोएट तो थे निदा फाजली, फिल्मों में कैसे आए? तो ऐसा था कि उन्होंने मैगजीन्स में उनकी शायरी पब्लिश होती रहती थी, और उनकी ऐसी ही एक नज्म या गाना कहिए, गीत आहिस्ता आहिस्ता फिल्म में जो बाद में यूज हुआ, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, शायर हुआ। खयाम ने उस गाने को देखकर बनाया उसका म्यूजिक, और फिर ऑब्वियसली निदा को इन्फॉर्म करने के बाद उन्होंने उसे आहिस्ता आहिस्ता में यूज किया। पर निदा उस वक्त बहुत अच्छे हालात नहीं थे उनके, वो इतने पॉपुलर नहीं थे, वो अपने पेमेंट चेक के लिए वो बार बार खयाम साहब के पीछे जाते रहे, और वो खयाम साहब उनको टालते थे, कभी कभी बातें बनाते थे, मगर निदा साहब उनके पीछे लगे रहे, और इस तरह उन लोगों की दोस्ती हो गई। तो जब रजिया सुल्तान में जानिसार अख्तर जो लिख रहे थे वो उसके गाने, उनकी अचानक डेथ हो गई, तो खयाम साहब ने ही कमाल अमरोही साहब को निदा फाजली साहब का नाम सजेस्ट किया, और इस तरह निदा फाजली उस फिल्म से जुड़े, और उन्होंने दो तीन गाने लिखे, उनमें से एक बहुत खूबसूरत हरियाला बनना आया रहा, मुझे बहुत पसंद है। अभी और भी बहुत सारे गाने हैं जो पॉपुलर म्यूजिक के सॉन्ग बने, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तो एक तरह से आप देखिए तो उनका मूवमेंट था फ्रॉम पोएट टू लिरिसिस्ट, they are not the same thing, people who are writing as lyricists they will tell you. to is hum ab sunte hain shadab sahab se unki nazm hijrat. okay, so shadab sahab please sunaiye hame. shukriya hina ji, aapne kai baar zikr kara batware ka, hijrat ka, to unke dil mein kitna dard tha kai baar jhalak ke aaya hai, usi का एक जो दर्द को जो झलकाया है वो इस नज्म में भी है। तो आगाज करते हैं हिजरत से। जरूरी कागजों की फाइलों से बेजरूरी कागजों को छांटा जाता है, कभी कुछ फेंका जाता है, कभी कुछ बांटा जाता है, कई बरसों के रिश्तों को पलों में कांटा जाता है। वो शीशा हो कि पत्थर हो, बिना दुमका वो बंदर हो, निशानों से भरा या कोई पोसीदा कैलेंडर, पुराने घर के ताकों में, मचानों में वो सब छोटा हुआ अपना, कभी बनकर कोई आंसू, कभी बनकर कोई सपना, अचानक जगमगाता है वो सब, खोया हुआ अपने न होने से सताता है, मकानों के बदलने से, नए खानों में ढलने से, बहुत कुछ टूट जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत नज़्म, बिल्कुल उधर धाम तक पहुंचा। दोहे सुनाए मीनाक्षी चौधरी ने, तो उस बात से इनके दोहों की बात हो जाए। निदा फाजली सिर्फ गजल और नज़में नहीं लिखी उन्होंने, उनकी उनकी जो शायरी थी वो बिल्कुल हिंदुस्तानी संस्कृति की पहचान थी, तो उन्होंने हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी लिखा, और एक तरह से आप देखिए तो हिंदी और उर्दू के बीच क्या पुल था, उनकी जो जबान वो यूज करते थे वो हिंदुस्तानी जबान में लिखते थे, और इक्वली पॉपुलर थे दोनों ही जबानों में। तो एक तरफ मीर और गालिब से इंस्पायर्ड थे, तो दूसरी तरफ तुलसी, सूरदास, कबीर और मीराबाई उनसे भी इंस्पायर्ड दिखे। बल्कि बाद में तो उन्होंने टीएस एलियट और एंटन चेखव को भी पढ़ा, और उसकी भी इंस्पिरेशन दिखता है उनके कामों में। तो सफर यूं ही उनका चलता रहा, और दोहे भी बेहद अच्छे लिखे। एक दोहा आपको सुनाती हूँ कि सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, जितनी बीती आप पर उतना ही सच मान।
तो मीनाक्षी ने भी ये सुनाया था और इस पर ही एंड किया था। आइए आगे बढ़ते हैं, नजदीकियों में दूर का मंजर आपके सामने पेश कर रही हैं शाहीन। थैंक यू, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं पढ़ती हूँ। नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर। सूरज के इर्द गिर्द भटकने से फायदा, दरिया हुआ है गुम तो समंदर तलाश कर। तारीख में महल भी है, हाकिम भी, तख्त भी, गुम हो गए हैं, गुमनाम जो हुए हैं वो लश्कर तलाश कर। रहता नहीं है कुछ भी यहाँ एक सा सदा, दरवाजा घर का खोल कर फिर घर तलाश कर। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कर। वक्त बंजारा सिफत लम्हा ब लम्हा अपना, किसको मालूम यहाँ कौन है कितना अपना। जो भी चाहे वो बना ले उसे अपने जैसा, किसी आईने का होता नहीं चेहरा अपना। खुद से मिलने का चलन आम नहीं है, वरना अपने अंदर ही छुपा होता है रास्ता अपना। यूं भी होता है वो खूबी जो है हमसे मंसूब, उसके होने में नहीं होता इरादा अपना। खत के आखिर में सभी यूं ही रकम करते हैं, उसने रस्मन ही लिखा होगा तुम्हारा अपना। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाहीन। शाहीन स्टेज की एक्ट्रेस भी हैं और हमेशा बहुत अच्छा पढ़ती भी हैं। शुक्रिया शाहीन। आगे बढ़ते हैं, हमारे नशिस्त दिल्ली के एक बहुत ही सुरीली आवाज की मालिक हैं कौसर इस्माइल। तो बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर हैं हमारी और उनकी आवाज को सुनने के लिए हम काफी तरसते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तब वो तैयार होती हैं। इसके पहले एक छोटा सा स्टोरी बता दूं आपको कि जॉन एलिया से निदा फाजली की बड़ी दोस्ती थी। तो जॉन एलिया जब बीच बीच में अमरोहा, कभी उनको कराची में भी अमरोहा जीते थे कहा जाता है, तो आते थे। तो एक बार वो निदा के पास आए और निदा को फोन करते थे शाम में कि भाई मुझे यहाँ से निकालो, इस मातमी दुनिया से निकालो, कुछ हमा हमी में ले चलो। तो निदा उनके लिए एक पूरी महफिल सेट करते थे, जो जाने माने लोग थे लिटरेरी वर्ल्ड के उन सबको बुलाते थे और सेटिंग की। और वहां जॉन पहुंचे और जब तक होश में थे तब तक उन्होंने सबसे हाथ मिलाया और सबसे बातें की, और जैसे ही होश से निकले तो नीचे जमीन पर बैठ गए और कहने लगे कि तुम हिंदुस्तानियों ने हमें निकाल दिया और खुद कितने ऐश से जी रहे हो, हमें पाकिस्तान में जाकर जीना पड़ रहा है। तो फिर बड़ी मुश्किल से सब लोग तो चले जाते थे, निदा साहब अपने दोस्तों के साथ लेकर के जॉन एलिया को घर पहुंचाते थे। और रास्ते भर जॉन एलिया कहते रहते थे कि भाई जॉन बहुत तन्हा है, मैं बहुत अकेला हूँ। ऐसे ही बस याद आया, और जॉन के बड़े फैंस होते हैं आसपास, तो मैंने आपको सुना दिया। कौसर इस्माइल साहब की बेहतरीन, हमारी नाइटिंगेल है वो, तो उनकी आवाज सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, आप नाइटिंगेल है, सुनाइए हमें, बहुत खूबसूरत गाना सुना रही है। मैं आपको बताने भी वाली नहीं हूँ कौन सा गाना वो गाएंगी, तभी आप सुनिए। ये बार बार मुझे म्यूट और अनम्यूट किया जा रहा, देखो अभी भी नहीं बाज आएगी। एनीवेज सुनाती हूँ। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम
तो हर गीत में शामिल थे तरन्नुम बनके, तुम मिले हो मुझे फूलों का तबसुम बनके, ऐसा लगता है कि बरसों से शनासाई है, अजनबी कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है, अजनबी कौन हो तुम, ख्वाब का रंग हकीकत में नजर आया है, दिल में धड़कन की तरह कोई उतर आया है, आज हर सांस में शहनाई सी लहराई है, अजनबी कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है, अजनबी कौन हो तुम। वाह वाह वाह, तो जैसे पूजा ने कहा ना कि आपसे सुरीला कौन ही होगा, तो बिल्कुल सही कहा पूजा तुमने, बहुत सुरीला बहुत खूबसूरत। और निदा फाजली के अल्फाज क्या कहने, क्या कहने। निदा फाजली वॉज ऑनर्ड विद द नेशनल हार्मनी अवार्ड फॉर राइटिंग फॉर कम्युनल हार्मनी। कुल मिलाकर 24 किताबें शाये हुई हैं निदा फाजली साहब की, उर्दू हिंदी और गुजराती में भी। इन 2013 ही वॉज कन्फर्ड विद पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की मिली जुली तहजीब की बेहद खूबसूरत खाका कशी करते हैं निदा फाजली साहब। आज हमारे बीच एक बेहद कमाल के शायर मौजूद हैं और कहते हैं कि उनकी निदा फाजली साहब से भी कुछ वाबस्तगी रही है। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि वो शायर खुद आए हमारे सामने, तरकश प्रदीप जी, और हमें उनके बारे में बताएं और उनकी नज़्म भी पढ़ें, तेरा नाम नहीं। तरकश प्रदीप प्लीज। शुक्रिया हिना जी, आई थिंक आई होप आई एम ऑडिबल। यस यू आर। शुक्रिया निशस्त, शुक्रिया चंद्र भाई, फिर से हम सबको यकजा करने के लिए, बिखरे हुए मोतियों के दानों को एक माला में पिरोने का काम जो आप करते हैं, पर हमारा पूरा परिवार करता है, दाद का मुस्तहक है। निदा की बात है तो जब चंद्र भाई से मेरी बात हो रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं निदा के बारे में क्या बात करूंगा। वहां पे निदा से मेरा ताल्लुक जो है गायबाना रहा, और बड़ा मजेदार ताल्लुक जिसको मैं कहूंगा, मैं उनसे रूबरू कभी मिला नहीं। तो अगर इजाजत है तो मैं चंद बातें कह दूं नज़्म से पहले। बिल्कुल, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप बताएंगे। अच्छा, तो मुझे भी लगता है कि ये काम तो हिना जी का है, वो बता ही रही हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मैं अपनी ओर से गुस्ताखी कर ही देता हूँ, छोटा हूँ तो माफी मिलेगी मुझे। तो निदा के बारे में तमाम बातें हम यहाँ पे जान रहे हैं, और मेरे लिए जो उनसे निस्बत रही वो अभी किसी साथी ने जिक्र भी किया, उनके मशहूर जमाना गीत तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जब ये गीत मैं सुनता था, टीन एज से भी पहले की बात है, ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता था, और बाद में जाके खुला कि ये किन्हीं निदा फाजली का लिखा हुआ है। जब लिरिसिस्ट को पढ़ने लगा, मैं उनके नाम भी जानने लगा, यहाँ रेडियो पे जब आता था तो मैं लिटरली सोचता था कि निदा किसी औरत का नाम है। तो बाद में पता चला कि निदा तो निदा है और वो खातून नहीं है। तो ये पहला परिचय था। और उसके बाद में अगर बात करूं तो अगर कोई फिल्मी गजल जो मुझे पसंद आई उस दौर में, तो होश वालों को खबर क्या, बेखुदी का चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए। तो ये गजल जब सुनी तो पता चला निदा तो और दीवाने हुए हम उनके, और इस गजल को उस
दौर की कॉलेज की महफिलों में मैं गाया करता था और बिना रुके बिना थके मुझे कोई 10 बार भी कहता तो मैं इसके शेर गुनगुना सकता था उस वक्त में, इतना वो रहा मामला। और फिर एक और गीत के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा निदा का, जिसने मतलब कि अब देखिए कि उसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिले 2002 में फिल्म आई थी एक लकी अली की सुर, उसके नगमे जो उन्होंने लिखे उसका जो गीत था आ भी जा, उसको तो मैंने इस गजल से भी ज्यादा गाया अपने कॉलेज के दिनों में। जब मैं कभी अकेला भी होता था, चार दोस्त भी बैठे हैं तो गुनगुना, वो कहते कि यार आ भी जा सुना दे, तो वो एक बड़ा मजेदार वो दौर था। तो तरकश प्रदीप साहब आप दो लाइन तो गाइए हमारे लिए, जब आप गाते थे तो बिल्कुल गाइए, दो लाइन गाइए। मैं वही 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 बात मैं कह रहा था कि बाद में ये इल्हाम मुझ पर हो गया कि मैं बहुत बुरा गाता हूँ और मुझे ये जो गाने का काम है वो उसी को शोभा देता है जो बहुत अच्छा गाता है, और जो निसंदेह हम यहाँ पे सुन ही रहे हैं इतने अच्छे सुरीले लोगों को। गाने की गुस्ताखी मैं नहीं करूँगा अभी यहाँ पे, आपका मजाक किरकिरा ना हो जाए। हाँ बस ये जो जी रचना जी, कोशिश कर लेता हूं मैं, हालांकि जो गीत चंद्र भाई से बात हुई थी उसको भी मैं एक अलग सा गीत लेके आया था मैं, वही जो सब साथ भी ये भी दो लाइन सुना दीजिए। अब कितना याद है मुझे, मैं बस वही सोच लेता हूं कि कैसे सुना पाऊंगा मैं, माफ कीजिएगा। अगर आ भी जा ऐ सुबह भी जा, रात को कर विदा, दिल रुबा भी जा, आ भी जा। तो अभी देख लिया आपने कितना गड़बड़ में कर रहा हूँ। हाँ तो मुझे साफ पता चल रहा है कि मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूँ इसके साथ। फिर भी ये चंद्र भाई एक दो बातें और मैं कर लूँ उनसे, निस्बत का जो मामला सिलसिला रहा, मैं दिल्ली में आया 2011 में और 2012-13 में शायरी की ओर जो मेरा जो रुझान है एज ए पोइट मैंने शुरू किया, और 14 में ऐसा संयोग बना कि मेरी किताब के बारे में बातें हो रही थी हिंदी में, उस वक्त मैं उर्दू नहीं जानता था, ये उन दिनों की बात है। तो हमारे मार्गदर्शक रहे, मेरे उस्ताद भी रहे हैं कॉलेज में, मुझे पढ़ाने वाले भी रहे हैं, और वो बॉलीवुड में उस वक्त गीतकारी कर रहे थे और उनकी निदा से भी पहचान थी। तो वो बोले कि तुम्हारी किताब के लिए मैं निदा जी को तुम्हारा कलाम भेजता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मैं नौसिखिया हूँ, वहाँ मेरी क्या वो रहेगी मतलब। उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं भेजता हूँ। तो मेरी तकरीबन 20-30-40 गजलें आई थी, 40 गजलें थी उस वक्त जो निदा तक पहुंची, और निदा ने मुझ नौसिखी के कलाम के ऊपर उसका जो पेश लफ्ज था उस मेरी किताब का, जिसके बारे में मैं अभी बात करते हुए भी शर्मिंदा हूँ, बेहद बुरी किताब थी वो। लेकिन मजेदार बात यह थी कि जिस तरीके से एक नौजवान का हौसला बढ़ाया जाता है, मुझे हमारे महबूब शायर आजिज मातवी साहब का कौल अक्सर याद आता है और वो निदा के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। वो कहते हैं कि बड़ा इंसान वो है जिसके सामने बैठकर दूसरा खुद को छोटा महसूस ना करे। उस लिहाज से मैं कहूँ तो निदा कितने बड़े थे इसका कोई अंदाजा नहीं था। और बात आई गई होगी उन्होंने लिख दिया वो मेरे लिए किसी उत्सव जैसा। हालांकि ये एक और मजेदार बात है कि जिस दिन उन्होंने लिख के भेजा प्रकाशक तक वो पहुंचा है कि उन्होंने लिख दिया है, मेरे पास मेल आई है, उस दिन मैं जहनी तौर पर इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो किताब छपनी चाहिए। मुझे लग रहा था यार बड़ा बकवास ये काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि प्रोसेस पूरा हो चुका था उसी का इंतजार था। तो वहां भी एक लगा कि फिर मैं सोचने लग गया कि यार मैं इतना खराब मेरा कलाम है, क्यों निदा ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने इतनी अच्छी बातें क्यों लिखी, तो क्या मेरे बारे में कुछ बातें लिख के उन्हें कोई फायदा होगा, ऐसा तो कुछ मैं सोच भी नहीं सकता, कोई जाहिली सोचेगा। तो मैं इस नतीजे पे उस वक्त पहुंचा कि हाँ निदा को लग रहा है कि कोई बात तो है, तो अब मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि मैं और संजीदा हो जाऊं। और जब उनका इंतकाल हो गया, उस वक्त जो हमारे उस्ताद मोहतरम है उन्होंने निदा से जो उनकी गुफ्तगू हुई थी मेरे बारे में, तब उन्होंने डिस्क्लोज की, वी बोथ वर इनटू टीयर्स जब ये खबर मिली
और मजेदार बात थी कि उस वक्त हमारी बात हुई थी कि निदा रेखता के जलसे में शरीक होने के लिए आ रहे थे जश्न में, तो उससे चंद रोज पहले की बात है कि उनका इंतकाल होता है। तो वो अनबिलीवेबल सा लग रहा था कि अब तो लग रहा था कि उनसे अभी मुलाकात होगी, दो तीन साल हो गए थे उनसे मतलब कि गायबाना तारुफ हुए, और उन्होंने भी वो जब ये बात उन तक गई कि हाँ मिलूंगा मैं वहां पे, तो मैं बड़ा वो था कि उनसे मिलूंगा, और रेखता से जस्ट पहले चंद रोज पहले उनका इंतकाल हो जाता है, तो बड़ा सेट बैक था। तब मैं उनसे बात कर रहा था तो तब हमारे उस्ताद उन्होंने तमाम बातें जो शायरी के मुतालिक उनसे हुई थी, तब वो बोले कि प्रदीप पहले मैंने नहीं बताया, मैं कहीं और जिक्र करता, लेकिन आज मैं जिक्र करता हूँ कि वो गजलें पढ़ के खुद उनका फोन उनके पास गया, मेरा नंबर तो जाहिर है उस वक्त नहीं था उनके पास, यार ये लड़का कौन है और इसमें तमाम संभावनाएं हैं, देखना इसकी उड़ान कैसी रहेगी, या जब वो मिलने भी गए। और उसका ये एक मजेदार ये रहा कि मैं उस वक्त उर्दू रस्म खत नहीं जानता था, तो निदा की एक किताब टी एन राज साहब ने जो संपादित की थी वो गुरमुखी में भी छपी थी, गुरमुखी स्क्रिप्ट है ये उर्दू में, तो इसको उन्होंने हस्ताक्षरित करके मेरे लिए, मैंने ग्रुप में साझा भी किया था कि यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये 14 की बात है, तो मेरे लिए उन्होंने ये किताब भेजी और तमाम दुआएं भेजी, तमाम अच्छी अच्छी बातें कही। उस बात को अरसा हो चुका है लेकिन वो मेरे लिए बड़ा जरूरी सबक भी रहा। एक बात जो उनकी मुझे कभी नहीं भूलती, जब उनसे बात हो रही थी वो हिंदी और उर्दू के इस झगड़े के बारे में एक बड़ी साफ और बड़ी जबरदस्त राय रखते थे, और जो कहीं ना कहीं मेरी अपनी जर्नी में मैंने भी उसको महसूस किया था कि यार ये जबानें तो एक ही है, झगड़ा क्यों है, क्योंकि मैं सीधी बात बताऊं पंजाबी से ताल्लुक रखता हूं मैं, और पंजाबी में जो पंजाबी जबान है उसको भी दो स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। पहले तो मैं अपनी बात कर लूं यहाँ पे कि पंजाबी जबान को दो स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, एक नस्तालिक जिसे जिसमें हम उर्दू भी लिखते हैं अलिफ बे पे के साथ भी लिखा जाता है पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान में गुरमुखी में लिखा जाता है उड़ा अड़ा जिसको बोलते हैं, और दोनों तरफ की पंजाबियों में बिल्कुल उतना ही फर्क है जितना हमारे यहाँ की हिंदी और उर्दू में फर्क है, यानी कि रस्मुल खत का फर्क है और जो शब्दावली है जो वोकेबलरी है उसका फर्क है, कि पाकिस्तान में जो पंजाबी है वहां पे फारसी और जो अरबी और इस भाषा परिवार के शब्दों की बहुतायत है, हिंदुस्तान में संस्कृत जो पंजाबी में, तो बिल्कुल जितने फर्क आप हिंदी उर्दू में करते हैं उतने ही फर्क दोनों मुल्कों की पंजाबी में है, लेकिन पार्टीशन के ऐसे सानिहे के बाद एकमात्र जो मजेदार बात ये रही कि उन्होंने जबानों का नाम नहीं बदला, दोनों तरफ से पंजाबी ही बोला जाता है, जबकि हिंदी उर्दू के मामले में ऐसा नहीं हुआ। हम यहाँ पे इसको हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हम इनको दो जबानें मानते हैं। तो निदा का ये कॉल है, आप में से बहुत साथियों ने सुना भी होगा, और मुझसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत मजेदार बात कही थी, और मैं जब उनसे ये मेरी बात भी नहीं हुई थी, शायद 2012 या 13 की बात है, सिरी पोर्ट के इंडियन ऑयल के मुशायरे में भी उन्होंने ये बात कही थी पब्लिकली, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये दोहराता हूँ कि निदा क्या कहते थे भाषा के बारे में। वो कहते थे कि भैया जो ये कहते हैं दो जबाने हैं उनसे कहो दो जबाने नहीं है, ये तीन जबाने हैं। कैसे तीन जबाने हैं? तो वो बड़ा ब्लंटली इस बात को बोलते थे कि एक जबान है मौलवी की जबान, एक जबान है पंडित जी की जबान। तो मौलवी साहब उसी बात को कहेंगे कि मैं अपनी रिहाइश गाह की ओर रुखसत होता हूं, पंडित जी उसी बात को कहेंगे कि मैं अपने गृह स्थान की ओर प्रस्थान करता हूं, लेकिन जो तीसरी जबान है उसमें कोई किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, कोई किसी खत्ते से ताल्लुक रखता हो, वो कहेगा मैं अपने घर जा रहा हूँ। बात एक ही है, मैं अपनी रिहाइश गाह की ओर रुखसत होता हूँ, मैं अपने गृह स्थान की ओर प्रस्थान करता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो जो तीसरी जबान है वही असली जबान है, जहां से भाषा के ठेकेदारों ने अपने अपने जो मामला जाती मामला के चलते या जो भी उनके जो मनसूबे रहे होंगे उनके चलते वो कलिष्ट करते गए चीज को, लेकिन जो जबान है वो वही है जो निदा बोलते थे, उसी जबान में मैं भी शायरी करता हूँ, और ये मेरे लिए बड़े फक्र की बात है। अब मैं कहता हूँ आज निदा को याद कर रहा हूँ, उनकी कही हुई बातें याद आती हैं,
तो लग रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी है हम पर कि जो जिस किस्म के निफाक, जिस किस्म के जो तजाद अभी देखने में आ रहे हैं, उस वक्त पोइट्री की क्या भूमिका रहती है। तो बड़े मजेदार वाकये निदा से आज साझा किए गए। अपनी कोशिश मैं भी कर पाया कि मैं कुछ ठीक से अगर अपनी बात रख पाया हूँ तो आप जरूर इस बात को जानिएगा, और कोई गलती हो भी मुझसे कहते हुए, कोई फैक्चुअल एरर मेरे बयान में कुछ रह गया हो तो उसके लिए अभी से मैं माफी मांगता हूँ। आप दुरुस्त करेंगे उसको, मुझे दुरुस्त करेंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। तो एक गीत नज्म भी नहीं, गीत, तो निदा का एक गीत मुझे लगा कि जो ऐसा तो मैं कहने की गुस्ताखी नहीं कर सकता कि वो कम मकबूल है, निदा कोई कम मकबूल नहीं थे, निसंदेह निदा अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूट रहे हैं। तो निदा के तमाम गीतों में से जो गीत मैं चुन पाया, जो अपनी समझ के अनुसार, तो अगर आपको इंतखाब बुरा लगता है तो उसके लिए आप मुझे कुछ कहिएगा, और दाद जो है सारी वो निदा के लिए है, और यहाँ पे मैं गुस्ताखी कर लेता हूँ गुनगुनाने की, और धुनगुन वाला मामला भी मुझे समझ में नहीं आता, जो समझ में आता मैं गुनगुना देता हूँ, तो कंपोजिशन कैसी बन पाती है वो भी आप देख लीजिए। इजाजत है चंद्र भाई, शुरू करूँ? जी तरकश भाई, इरशाद। जी गीत है कि कैसे सुनाऊं इसको। तेरे पैरों चला नहीं जो, तेरे पैरों चला नहीं जो, धूप छांव में ढला नहीं जो, तेरे पैरों चला नहीं जो, धूप छांव में ढला नहीं जो, वो तेरा सच कैसे जिस पर तेरा नाम नहीं, वो तेरा सच कैसे जिस पर तेरा नाम नहीं। तेरे पैरों चला नहीं जो, धूप छांव में ढला नहीं जो, वो तेरा सच कैसे जिस पर तेरा नाम नहीं, वो तेरा सच कैसे जिस पर तेरा नाम नहीं। तुझसे पहले बीत गया जो, वो इतिहास है तेरा, तुझसे पहले बीत गया जो, वो इतिहास है तेरा, तुझको ही पूरा करना है जो वनवास है तेरा, तुझसे पहले बीत गया जो, वो इतिहास है तेरा, तुझको ही पूरा करना है जो वनवास है तेरा। तेरी सांसें जिया नहीं जो, घर आंगन का दिया नहीं जो, तेरी सांसें जिया नहीं जो, घर आंगन का दिया नहीं जो, वो तुलसी की रामायण है तेरा राम नहीं, वो तेरा सच कैसे जिस पर तेरा नाम नहीं, वो तुलसी की रामायण है तेरा राम नहीं, वो तेरा सच कैसे जिस पर तेरा नाम नहीं। तेरा तन ही पूजा घर है कोई मूरत घड़ ले, तेरा तन ही पूजा घर है कोई मूरत घड़ ले, कोई पुस्तक साथ न देगी चाहे जितना पढ़ ले, तेरा तन ही पूजा घर है कोई मूरत घड़ ले, कोई पुस्तक साथ न देगी जितना चाहे पढ़ ले, चाहे जितना पढ़ ले। तेरे सुर में सजा नहीं जो, तेरे सुर में सजा नहीं जो, तेरे सुर में सजा नहीं जो, एक तारे पर बजा नहीं जो, तेरे सुर में सजा नहीं जो, एक तारे पर बजा नहीं जो, वो मीरा की संपत्ति है तेरा शाम नहीं, वो मीरा की संपत्ति है तेरा शाम नहीं, वो तेरा सच कैसे जिस पर
तेरा नाम नहीं, तेरे पैरों चला नहीं जो, धूप छाव में ढला नहीं जो, वो तेरा सच कैसे जिस पर तेरा नाम नहीं, वो तेरा सच कैसे जिस पर तेरा नाम नहीं। तो ये गीत था कि अब मैं कोई और धुन सोच के बैठा था और यहाँ पे कुछ और ही गा गया हूँ मैं, तो माफी दीजिएगा कि सुरों का जो भटकन है। तो मेरा यकीनी तौर पर मानना है, ये बात आखिरी पैगाम है इस निशिस्त के लिए मेरी ओर से, कि जिसका काम उसी को साजे, जो अच्छे अच्छे गायक हैं उनको गाने का काम करना चाहिए, और मुझ जैसा तो खैर कोई भी काम अच्छा ठीक से नहीं कर पाता। तो निशिस्त बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। हम निदा को याद कर रहे हैं, निदा के लिए तमाम, अब क्या कहें मैं, शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी तरकश प्रदीप साहब, जिसका काम उसी को साझे, तो शायर तो हमेशा दिल की बात कहेगा, और आपकी बात तो हम सब तक पहुंची है। और निदा के बारे में, वो कैसे इंसान थे, आपकी बातों से सचमुच हर आदमी को उनके बारे में एक बेहतर पिक्चर सामने आई है, तो बहुत शुक्रिया ये बताने के, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ उन्नति हैं जो बेहद अच्छा गाती हैं, तो उन्नति को मैं बुलाऊंगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं पहले आपको बताऊं कि जगजीत सिंह और निदा फाजली के बारे में तो हम बात करते रहे हैं कि उन्होंने कई एल्बम साथ बनाए, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 फरवरी निदा साहब की डेथ एनिवर्सरी भी है और जगजीत साहब की बर्थ एनिवर्सरी भी है। हाँ, साल जुदा है मगर ये कनेक्शन भी उनका है। तो अब मैं दावत दूंगी उन्नति को कि वो आए और हमें सुनाए हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। बहुत ही खूबसूरत गजल है उन्नति। नमस्कार सभी को, मेरी आवाज आ रही है, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करूंगी जगजीत जी और लता जी की आवाज में। ये गजल है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी लाश का खुद मजार आदमी, अपनी लाश का खुद मजार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, हर नए दिन नया इंतजार आदमी, हर नए दिन नया इंतजार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी।
घर की दहलीज से गेहूं के खेत तक, घर की दहलीज से गेहूं के खेत तक चलता फिरता कोई कारोबार आदमी, चलता फिरता कोई कारोबार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। शुक्रिया। This is the irony of modern world. बिल्कुल T.S. Eliot के wasteland जैसी कुछ feeling है। London Bridge पर एक crowd है और हर इंसान साथ है, मगर हर इंसान अकेला है। बहुत अच्छा गाया है तुमने उन्नति, बिल्कुल goosebumps, very very nice। भारत के शायरों में निदा फाजली आज एक अहम नाम है। खोया हुआ सा कुछ उनकी शायरी का एक और कलेक्शन है। 1998 का साहित्य अकेडमी अवार्ड इसी किताब को दिया गया। He even wrote his biography in two volumes, Diwaron ke Beech aur Diwaron ke Bahar, which became very, very popular. Lamha ba lamha, unki zindagi ke qareeb hote jaate hain. Lamha ba lamha, hum Nida Fazli ke baare mein kuch aur jaante hain. Shukriya Nishat Dilli ka aur shukriya aapka. Aaiye sunte hain agli peshkash. Om Ji Mishra pesh kar rahe hain. Tanha tanha dukh jheelenge. Om Ji Mishra. नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि ये अच्छा है कि मैं इतनी देर बाद पढ़ रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को सुना, बहुत कुछ जानने को मिला। मतलब जैसे तरकश जी ने कहा वो गीत, मुझे भी अभी तक नहीं पता था कि वो निदा जी ने लिखा है, पर वो बहुत प्यारा लगता है। तो ये गजल जब मैंने सुना तो मुझे लगा शायद ये कोई पहले चुन चुका होगा, क्योंकि बहुत मशहूर शेर है इसका एक, जो मुझे बहुत पसंदीदा है मेरा, जिसकी वजह से मैं ये पढ़ना चाहता था। तो मैं ये पढ़ता हूँ आपसे। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे। आज उन्हें हंसते देखा तो कितनी बातें याद आई, आज उन्हें हंसते देखा तो कितनी बातें याद आई, कुछ दिन हमने भी सोचा था उनको भूल न पाएंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे, तुम जो सोचो वो तुम जानो, तुम जो सोचो वो तुम जानो, हम तो अपनी कहते हैं, देर न करना घर जाने में, वरना घर खो जाएंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे,
तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे महफिल गाएंगे। और वो शेर जिसकी वजह से मैं ये गजल पढ़ना चाहता था, जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं खेलते हुए और वो अपने हम उम्र किसी छोटे बच्चे को खेलता हुआ देखता है तो उसकी ओर चला जाता है बिना किसी बात का ध्यान दिए हुए। राहुल को ये नहीं पता है कि वो अहमद के पास खेलने जा रहा है, और सुनील ये नहीं सोचता है कि मैं मुजीब के पास जा रहा हूं। तो बच्चों का दिल इन सब चीजों से अलग रहता है। तो इसी पर ये शेर, इस गजल का सबसे खूबसूरत शेर, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे महफिल महफिल गाएंगे। अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हो मुमकिन है, अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हो मुमकिन है। हम तो उस दिन राय देंगे, हम तो उस दिन राय देंगे जिस दिन धोखा खाएंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे महफिल महफिल गाएंगे। और आखिरी शेर इस गजल का, किन राहों से दूर है मंजिल, कौन सा रास्ता आसान है, किन राहों से दूर है मंजिल, कौन सा रास्ता आसान है, हम भी जब थक कर बैठेंगे औरों को समझाएंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। बस क्या बात है जावेद, बहुत खूब बहुत खूब। इनका तो अंदाज निराला है, सभी को मालूम है, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे। मुझे तन्हाई और अकेलेपन के ऊपर कुछ लाइनें उनकी याद आती निदा साहब की, लेकिन इस सुरीले अंदाज में मैं अपने हाजिरी को जानबूझ के हटाए चल रहा था, क्योंकि बहुत बेहतरीन माहौल बना हुआ है, किसी भी तरह का इंटरप्शन आई थिंक उसमें अच्छा ही लगेगा। लेकिन एक शेर है कि उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा, और मेरे बारे में कोई राय तो होगी उसकी, उसने मुझको भी कभी तोड़ के देखा होगा। और आखिरी शेर के, एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, जिसको भी पास से देखोगे वो अकेला होगा। ओवर टू यू हिना। जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा, एट द एंड ऑफ द डे। निदा साहब में सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी और खुलापन निश्चित तौर पे मौजूद था, वो बात को एक नई तरह से सोचते थे और उसके बारे में सवाल करते। कहते हैं, उनकी ही लाइन है कि चश्म हो तो आईना खाना है दिल, चश्म हो आती हूँ, चश्म हो तो आईना खाना है दिल, मुंह नजर आते हैं दीवारों के बीच। जहां एक तरफ उन्होंने क्रिटिकल माइंड को जिंदा रखा, वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशन और रिश्तों के लिए भी लिखा। आपको बता दें कि निदा साहब की तीसरी उंगली में नीलम जड़ी एक अंगूठी थी। जब वो पाकिस्तान गए थे तो उनकी बड़ी बहन ने उनको ये अंगूठी दी थी, वो उनकी माँ जमील फातिमा की अंगूठी थी, और उनकी बहन ने उनको ये अंगूठी अपने हाथ से उतार के दी थी, माँ तो गुजर चुकी थी, और ये कहते हुए दी थी कि ये तुम्हारी बेएतदालियों में एतदाल पैदा करेगा, इट विल ब्रिंग सम काइंड ऑफ पीस टू योर रेस्टलेसनेस। और ये अंगूठी निदा के लिए जीती जागती माँ की तरह थी। वो अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि कैसे वो अंगूठी को उतार के रख देते थे तो उन्हें लगता था जैसे उनकी माँ उनको देख रही है, तो वो इतने ज्यादा अटैच थे उससे।
आइए सुनते हैं ऐसी ही एक नज़्म रोहित की आवाज में, बेसन की सौंधी रोटी पर, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। रोहित। थैंक यू कौशल बाजी, थैंक यू चंद्र भैया और थैंक यू निसर दिल्ली परिवार। हमेशा अपनापन महसूस होता है निसर दिल्ली परिवार में, और जैसा कि परिवार की बात आती है तो पारिवारिक पोएम निदा जी की, तो मैं पढ़ता हूँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ, बांस की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ, चिड़ियों के चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, मुर्गे की आवाज से खुलती घर की कुंडी जैसी माँ, बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में माँ, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ, बांट के अपना चेहरा माथा जाने आंखें कहाँ गईं, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल जैसी चंचल लकड़ी लकड़ी चंचल लड़की जैसी माँ, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया रोहित। मैं बस ये पूछना चाहूंगी कि क्या सबरीन कौसर आज हमारे साथ हैं? वो शुरू में नहीं थी, क्या वो हमारे साथ हैं? नहीं हिना, वो नहीं ज्वाइन कर पाए। नहीं, चलिए तो अब हम आखिरी पर आ गए हैं, यू नो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आर केप्ट फॉर द लास्ट। तो अभी तक तो मैंने कहा कि निशस दिल्ली के बहुत ही मोतबर मेंबर्स, अब हम निशस दिल्ली के जो बरगद का पेड़ है उनको आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो सब हमारी जड़ें हैं। वो चंदर वर्मा को बुला रही हूँ मैं, और वो अपनी पानी पी रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे, वो अपनी खूबसूरत आवाज में गाने वाले हैं हम सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत। सॉरी टू इंटरप्ट यू हिना, मुझे कुछ कहना है अभी चंदर भाई के लिए। ये अभी जो इख्तिताम हमारा हो रहा है, यानी कि रोहित और चंद्र भाई से, दो ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी वजह से ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर बार सस्ता है। वैसे तो सभी का किसी ना किसी पर से पर्दा कोई ना कोई ताउन होता है, लेकिन ये दो खास लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से हम हर बार ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुनक्कद करते हैं, और बहुत बेहतरीन इन लोगों का बैकग्राउंड में काम चलता रहता है, आप लोग देखते रहते हो कुछ ना कुछ, और हर बार किसी ना किसी मजबूरी में नहीं कहूँगा, जानबूझकर ये नहीं पढ़ते चंद्र भाई, जिम्मेदारियाँ बहुत रहती हैं प्रोग्राम के इनके ऊपर, लेकिन इस बार हम सभी लोगों के इसरार पर भी और उनका खुद का भी इस बार उनको लगा शायद कि यार इन लोगों की बात मान ली जाए और पढ़ लिया जाए, तो मैं उनके लिए कुछ शेर भी पढ़ूंगा। मैं नाम अगर भूल जाऊँ तो माफ़ी चाहूँगा। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा तरन्नुम में, कस्तूरिका जी, अनीता जी, ओम और तरकश भाई ने तो खैर कमाल ही आज जो किस्से बयां किए यहाँ पर, तो अगर मैं नाम भूल जाऊं किसी का माफी चाहूंगा। सबने अच्छा पढ़ा है, लेकिन कुछ शेर कौशल बाजी खास तौर से, तो कुछ शेर है कि चांद से फूल से या मेरी जुबा से सुनिए, कौशल बाजी फूल ध्यान दीजिएगा, चांद से फूल से या मेरी जुबा से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए, सबको आता नहीं दुनिया को सता कर जीना, जिंदगी क्या है मोहब्बत की जबा से सुनिए, और क्या जरूरी है कि हर पर्दा उठाया जाए, क्या जरूरी है कि हर पर्दा उठाया जाए, मेरे हालात भी अपने ही मकां से सुनिए, और आखिरी दो शेर कि मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूं खामोश जहां मुझको वहां से सुनिए। और चंद्र भाई ये शेर आपकी नजर, कि चांद में कैसे हुई कैद किसी घर की खुशी, चांद में कैसे हुई कैद किसी घर की खुशी, ये कहानी किसी मस्जिद की अजां से सुनिए। चंद्र भाई आइए और आपकी खूबसूरत आवाज का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। चंदर भाई। हाँ बिल्कुल चंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत आवाज का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये प्रेशर बहुत अच्छी आवाजों को सुनने के बाद बढ़ जाता है कि मुझे गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। मैं प्रेफर हमेशा गाना ही तरन्नुम में पढ़ना, मैं तरन्नुम में पढ़ना कहूंगा, गाना वाना मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत काबिल जिसे कहते हैं सिंगर्स या पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, गा चुके हैं, और वक्त भी बहुत हो गया है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। पहले मैं जो पढ़ने वाला था वो हमारे साईम भाई गा चुके हैं और बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा हुआ मैंने नहीं गाया, क्योंकि साईम भाई ने बहुत खूबसूरत गाया, बहुत खूबसूरत गाया। मैं
निदा की एक गजल है वो सुनाने जा रहा हूँ, अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के। और शायद हिना ये आज की आखिरी पेशकश है। जी बिल्कुल जी जी, मुलाहिजा फरमाएं। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है, पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है, अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम है कहाँ के हैं किधर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, चलते रहते हैं के चलना है मुसाफिर का नसीब, चलते रहते हैं के चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नर्वस हो गया, मैंने सुर भी थोड़े बहुत यहाँ वहाँ कर दिए, कोई बात नहीं। बहुत खूब चंद्र भाई, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। अच्छा गाया तुमने चंदर, बहुत ही अच्छा गाया। अच्छा अच्छा, हम ये बता दें कि चंदर ने कुछ और तैयार किया था, चंदर ने बिल्कुल जितनी देर प्रोग्राम में उतनी देर में ये तैयार किया है, बहुत ही अच्छा गाया तुमने चंदर। नहीं हाँ, मतलब आई नो इट कुड हैव बीन बेटर बट नेवर माइंड। बहुत खूब चंद्र भाई, शुक्रिया। नहीं, मैं म्यूजिक की समझ रखता हूँ, मतलब गायकी के लिहाज से नहीं, सुनने के लिहाज से, तो आई नो व्हाट आई हैव डन, दैट इज ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए सभी के, देखिए फातिमा जो है यूएस से जुड़ी हैं, कौसर यूके से जुड़ी हैं, बहुत सारे लोग बाहर से जुड़े हैं, तो ये सब मोहब्बत है एक दूसरे के लिए, शस्त्र के लिए, उर्दू हिंदी शायरी के लिए, कविताओं के लिए। ये महफिल हम इसीलिए सजा पाते हैं कि ये मोहब्बत बनी रहती है, आप सबका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहता है, बहुत से नए लोग भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। मुझे मालूम है हम लोग फिजिकल निशस्त जो हम करते हैं कहीं बाहर, उसे बहुत मिस कर रहे हैं, जो अपनायत, जो एक दूसरे को देखने का सुख है, वो हमें बेशक उन्हीं महफिलों में मिलता है जो हम फिजिकल तौर पे कहीं कर पाते हैं, फिर भी वरना हम शफकत से नहीं जुड़ पाते, हम कौसर से नहीं जुड़ पाते, हम फातिमा से नहीं जुड़ पाते जो सात समंदर पार हैं, फिर भी आज हमारे बीच हैं,
और कभी हमने इस दूरी को महसूस नहीं किया। देखिए ये बहुत अजब बात है, शायद हमारे बीच में अभी मुझे नजर नहीं आ रही हैं, अच्छा चली गई हैं अनीता खरे नारायण, चली गई हैं, उन्हें भी मैं बड़ी मुद्दत से जानता हूँ, कहीं ना कहीं किसी तरीके से, कभी साहिर के वजह से, किसी को निशस्त की वजह से, किसी को किसी और वजह से, बट देखिए इतने दूर होते हुए भी हम सब आज एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये कोविड का भी मैं कहूंगा इसमें बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये अब चला जाए, ये बहुत हो गया। महफिलें हम सजाते रहेंगे, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी, उन सब दोस्तों के लिए जो बाहर से हमारे साथ जुड़ते हैं, अब दोनों तरह की महफिलें हम करते रहेंगे। और पेज पे भी चंदर हम अब महफिलें करेंगे, हमारे पेज पे भी आइए। जी जी जी, हम पेज पे भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मैं निशस्त दिल्ली परिवार की ओर से। प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है, आज हमने बहुत ज्यादा लोगों को पढ़ने का मौका दिया, आमतौर पे 15-16 लोगों को ही ये मौका मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये महफिलें कभी कभी सचती हैं, वक्त की कोई बात नहीं है। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा हमारे साथ जुड़ पाते हैं अब वक्त निकाल कर। साहिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आखिरी मतलब बिल्कुल मैं कहूंगा कि मैंने आपको ज्यादा वक्त नहीं दिया प्रिपेयर करने के लिए, आप फिर भी हाजिर हुए। प्रकाश भाई तो हमेशा हमारे साथ जमे रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और अगले निशस्त के लिए तैयार रहिए, हम फिर किसी मौजू या किसी शायर, किसी कवि के साथ फिर से आप लोगों के दरमियान आएंगे, पेश होंगे। तब के लिए बहुत बहुत थैंक यू, गुड नाइट, शब खैर। बिल्कुल चंद्र भाई, ये ग्रुप फोटो पेंडिंग है, सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए और ये ग्रिड में ले लेते हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए। मेरे ख्याल से वो ऑन करते वो भी बताना पड़ता होगा। थैंक यू हिना मैम फॉर कंपेयरिंग सो वेल। थैंक यू, इट वाज वेरी वेल डन। देखिए एक बात मैं फिर कह दूं, हम निशस्त करते हैं ये इसलिए नहीं है, सभी लोग जानते हैं जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हैं, कि हम शायर हैं या हम अच्छा पढ़ते हैं या हम अच्छा गाते हैं, दैट इज नॉट दी बेसिक यू नो कॉज और रीजन की वी डू निशस्त। हम निशस्त इसलिए हम इसलिए करते हैं। जी जी जी, एक बात जो मुझे पूजा प्रियंवदा मैम ने जब कही ये बात कि मैं निदा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, वो उनका जो साफ गोई है दाद के मुस्तक वो भी है, लेकिन यही तो हमारा मकसद है। मैं उसी बात से लिंक करना चाहूंगा कि बहुत से साथी हमारे किन्हीं कारणों के चलते बहुत से अदीबों के बारे में नहीं जानते हैं, ये काम भी करती है कि वो आम फहमी की ओर ले जाती है उन तमाम शोरा को और उनकी रचनाओं को। आज मुझे लगता है कि पूजा मैम ने बहुत कुछ जान लिया होगा निदा के बारे में, तमाम साथियों की ओर से जो बातें आई। यही 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 मैं तर्कश भाई बोलने वाला था, यही वजह है कि हम निशस्त हैं और हम ये प्रोग्राम्स करते हैं, इसमें शायर की जिंदगी को उसके हर एक पहलू को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों ने बहुत से शायरों को पहले पाश किसी जमाने में मैंने ज्यादा नहीं, एक दो कविताओं को छोड़ के जब हमने पाश पे प्रोग्राम किया, नील जी ने कंपेयरिंग करी, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ निशस्त, वी विल कीप डूइंग इट। आप अपनी मोहब्बत हम पे बरकरार रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, हम बहुत से अभी शोरा को आने वाले वक्त में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। आखिरी शेर मुझे याद आ गया, मैंने हिना मैम को प्राइवेट मैसेज भी किया, उन्होंने शायद पढ़ा नहीं। जी पढ़िए, वो बड़ा जरूरी है और वो बड़ी जरूरी हिदायत भी है, वो कुछ चेताते हैं निदा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देख। बिल्कुल बिल्कुल, और तर्कश भाई इसका जवाब भी उन्होंने खुद ही दे दिया था कि मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। वाह क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच दिल्ली भी, बहुत बहुत शुक्रिया एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर।